नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। रामनवमी पर मंदिरों में फहराए गए प्रभु श्री राम भक्त वीर हनुमान के पताके, जय श्री राम के नारे से गुंजमान हुआ इलाका। आज हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रामनवमी को लेकर पूरे जिले में आस्था देखी गई। वहीं रामनवमी पर्व को लेकर कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई, तो कई जगह पर प्रभु श्री राम भक्त वीर हनुमान के ध्वजा फहराए गए। वहीं भक्ति गीत से पूरा इलाका गुंजमान रहा। मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा रावण को संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में सातवां अवतार लिया था और रावण का संहार किया था, जिसको लेकर रामनवमी के अवसर पर मंदिरों और घरों में पूजा पाठ कर ध्वज फहराते हैं और खुशियां मनाया जाता है, जिसको लेकर जय श्री राम और जय वीर हनुमान के जय घोष से पूरा शहर गुंजमान रहा। दिन हम लोग यहाँ पे सपरिवार उपस्थित हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी असत्य पे सत्य की जीत के लिए मनाई जाती है। हम लोग उसी उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम जो जीत करके आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये रामनवमी मनाई जाती है। हम लोग भी उसी उल्लास के साथ हम लोग यहाँ आए हैं पूजा पाठ करने के लिए अपने सपरिवार के साथ, ताकि जो महाबली हनुमान है उनका हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। रामनवमी है ना, हनुमान जी को वरदान दिए थे कि राम जी की पूजा होगी तो हनुमान जी की पूजा होगी, इसलिए हम लोग रामनवमी के त्योहार मनाते हैं। कंचन सिंहानिया। आज के दिन एक तो पहला राम जी का जन्म है और दूसरा ये नवरात्रा जो है स्वयं राम जी लंका पे विजय पाने के लिए किए थे, इसलिए देव नवरात्रा चैती का लाता है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, चुनाव में अलग है और भक्ति में अलग है। ये मंदिर कितने साल पुरानी है? ये मंदिर 50 साल पुरानी है। इस मंदिर में मैया बाबा के प्रति पूरा विश्वास है, साईं बाबा हैं ऊपर में उस पर भी विश्वास है, सबका मनोकामना पूर्ति होता है जो दिल से मांगते हैं। बहुत लोग यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बन के गए हैं, IAS ऑफिसर बन के गए हैं।